हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो बोले अस्सलाम वालेकुम। अरे कौन सी वीडियो पे रैक करने वाले? मुझे क्या पता। आज हम टिकटॉक को डोस बड़ा अच्छा किए बंदे ने कि वीडियो पे रैक करते। चले वीडियो देखते, बाकी बातें बाद में। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके अभी सब्सक्राइब करो। ये नहीं डालना। क्यों? चलो वीडियो देखते हैं, बाकी बातें बाद में। अभी वीडियो देखी नहीं, पहले ही हंस रहे। वीडियो कितनी अच्छी होगी। हियर वी गो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक चीज बोलना चाहूंगा कि 36 ऐप्स आएंगी और 36 ऐप्स जाएंगी। 36 ऐप्स आएंगी और 36 ऐप्स जाएंगी, लेकिन YouTube बेस्ट है। कोई सेंस नहीं है, कोई राइम नहीं है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे 8 अगस्त 2020 मित्रों, आज शाम से टिकटॉक बैन किया जाता है। मोदी जी की इस अनाउंसमेंट के बाद यूट्यूबर्स और मीमर्स में एक खुशी की लहर दौड़ गई। और हम बेवकूफ ये सोच के कि टिकटॉक बैन हो गया खुश होते रहे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इंस्टाग्राम रील्स ही टिकटॉक है। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जहाँ पे हम भूतपूर्व बहुत ही कमाल की उंदा ऐप टिकटॉक के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन ऐप्स के बारे में जो टिकटॉक को रिप्लेस करने के लिए मार्केट में आई हैं। रोपोसो, चिंगारी, ट्रिलर, रिजल, जोश, टकाटक, मौज, ये नाम है, ये ऐप का नाम है। एंड हम इंस्टाग्राम रील्स को कैसे भूल सकते हैं। तो हम देखने वाले हैं क्या ये सारी ऐप्स जो है ये टिकटॉक से बेटर है, क्या ये टिकटॉक ही है, बस भेस बदल के आ गया है। ये क्या है, इसका क्या मतलब है? डिस्क्रिप्शन में लिखा है व्हेन समबडी फोटो बॉम्ब्स यू। नहीं मतलब अब बंदे को देखना चाहिए कि ओ सॉरी, ये जो जगह है इकलौता रास्ता है जो जाने का। आशिका जी यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रही है, तो नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, वरना आशिका जी ऐसे एक्सप्रेशन देगी, ये पप्पी यहाँ पे क्यों है, माइक उल्टा क्यों है, मैं चेयर पे ऐसे क्यों बैठा हूँ। सॉरी मैं कुछ नहीं बोल रहा। आशिका अमेजिंग वीडियो, आशिका मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करती है, अनफॉलो करती है, अमेजिंग वीडियो, मजा आ गया ये वीडियो देख के, क्या एक्सप्रेशन दिया है। प्लीज डोंट अनफॉलो मी, ओके? By the way guys, it was just a joke. कीबोर्ड पहले ही टूटा हुआ था, वो तो बस पिछली जो लाइव स्ट्रीम की थी उसमें मेरा कीबोर्ड खराब हो गया था, तो फिर मैंने इसका हाउ टू बेसिक कर दिया। हाउ टू बेसिक तो पता है, यार बहुत कॉफी पीता है। अब तो वो आते ही भाई, तू तो ऐसे चला है, मैं तो डर गया, मैंने कहा पता क्या करंट वरंट लग गया, क्या हो गया भाई, अपनी तो जान निकल गई। ऐसे ड्रामे करने हो ना भाई, पहले बता दिया कर कि हम ही करने लगा। पापा वीडियो बना रहा था, तो बस एक स्किट शूट कर रहा था वो, मैंने मेरे को पता नहीं था आप बाहर ही हो। तेरी स्किट तो यहाँ देख तो। साहब खाना मत देखो साहब, इस गरीब के पेट में चल जाएगा साहब, खाना मत देखो साहब, लाओ साहब मुझे दे दो, मैं खा लूंगा साहब, मैं खा लूंगा साहब। इतना दुख इतना दर्द इस गरीब के पेट में चल जाएगा। ये गरीब है गाइस, गरीब घराने से है। भाई ये बंदा है रुदाली। रुदाली तुम्हें पता है क्या होते हैं? मैं रुदाली हूँ। जब कोई दुनिया से चला जाता था
तो रोने के लिए हमें बुलाया जाता है। ये भाई है प्रोफेशनल रोने वाले। पहले ये टिकटॉक पे रोते थे, अब ये इंस्टाग्राम रील्स पे रोते हैं। ए साहब, कुछ खाने को दो ना साहब। ए साहब, कुछ खाने को दो ना साहब। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। गाइस, इस बंदे को बहुत ही भयंकर लेवल की गरीबी हुई है। नहीं, मैंने बहुत गरीब देखे हैं, लेकिन ऐसे दौरे पड़े, ऐसी गरीबी कभी नहीं देखी यार। भैया आप सुन रहे हैं तो प्लीज एक ट्वीट कर दो ना भैया, एक ट्वीट भैया, प्लीज भैया, प्लीज भैया। रोबर्ट मेरे भाई, मैं हूँ, मैं करूँगा तेरे साथ ट्वीट, मैं करूँगा तेरे साथ ट्वीट। नमस्ते साहब, क्या करूँ साहब, आप तो जानते हैं साहब, कभी गरीब को खाने मिलता है तो कभी गरीब को नहीं मिलता है, जब मिल जाता है तो भगवान भरोसे उनका शुक्र गुजार है, जब नहीं मिलता खा लेते हैं साहब कुछ भी। मैंने पूछा, सो जाते हैं साहब, क्या करेंगे साहब। मैंने पूछा मजबूरी है, मैंने पूछा, भगवान ने गरीबी पैदा किया, क्या कर सकता हूँ। नहीं, मैंने पूछा, कायर बोलेंगे ना फिर ऊपर से, तू जा रहे, तू जा रहे, अरे तू जा रही। Guys, देखिए टिकटॉक हो या टका टक, ये कब्ज वाली शक्ल बनाना लोग नहीं बंद करने वाले। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि दिस इज डेफिनेटली एन अपग्रेड। देखिए टिकटॉक पे लौंडे बनाते थे ये गंदी सी शक्ल, अब टका टक पे लड़कियां भी बना रही है। हैशटैग जेंडर इक्वालिटी, हैशटैग व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन। क्या कहा, आना है, माफ कीजिएगा मोहतरमा, अब मुझे अपना फ्यूचर बनाना है। तारे जमीन पर, ये एक अलग ही ट्रेंड भाई अभी फैला हुआ है, जिसमें ऐसा बैकग्राउंड में गाना चला देते हैं और उसके ऊपर कुछ भी बोल देते हैं। हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जितना अपनी तकदीर में लिखा है वो जरूर। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या बोलना है, बस बैकग्राउंड में ये सैड सा गरीबी वाला म्यूजिक चला दो, उसके ऊपर कुछ भी बोलो। इस वक्त घड़ी में 7 बजे हैं, इसके बाद 8 भी बजेंगे। ये हेडफोन्स है पर इनमें कोई आवाज नहीं है, ये फोन की बैटरी अभी 3% पे है, इसके बाद 4 भी होगी। मतलब कुछ भी बोल दो और साथ में ये वाली ट्यून चला दो तो भाई सैड शायरी हो जाएगी। हैं, नाइस, इसी बात पे तालियां। हाईला सल्लू भाई, वो भी टिकटॉक पे और टकाटक पे। मेरे को लग रहा था सिर्फ गाइस हमारी ऐसे की तैसी हुई है लॉकडाउन में, लॉकडाउन ने तो सल्लू भाई की भी लगा दी। लग गए। वैसे बात तो सही है, फिल्में विल्में आ नहीं रही है, घर पे वेले बैठे क्या करेंगे, टिकटॉक ही बनाएंगे, सॉरी टकाटक ही बनाएंगे, तो फिर दिल मत लगाइयो भाई वरना पछताना पड़ेगा। पागल ही है। पागल नहीं हूँ मैं, वेट कर फिर देखते हैं पागल कौन बनता है। ये सब देखने के बाद मैं एक शायरी कहना चाहूंगा, तो बैकग्राउंड में वही सैड गरीबी वाला म्यूजिक चलाया जाए प्लीज। तुम टिकटॉक को तो बैन कर लोगे, ध्यान से सुनिएगा, तुम टिकटॉक को तो बैन कर लोगे लेकिन टिकटॉकर को कैसे बैन करोगे, आज टिकटॉक है कल नहीं होगी, टकाटक होगी, मौज होगी, चिंगारी होगी। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो को प्लीज लाइक कर दो गाइस। गाइस अगर तुम वीडियो को लाइक नहीं करोगे ना तो फिर मुझे बुरा लगेगा। गाइस वीडियो को लाइक करो एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसा लगा आपको टिकट इंसान? अच्छा, फनी, अच्छी बनाई थी, अच्छा रोज करते है काफी, और वो सीन सबसे अच्छा था कि पापा वाला। पापा क्या वो करंट लग गया। और सही मजा आ गया, वो गरीब अलग ऐसा था। मैं गरीब वीडियो में यही करता, मैं गरीब हूँ। और भी कोई ट्रिगर इंसान की वीडियो तो कमेंट करके बताएं, और ट्रिगर इंसान को जाके अभी सब्सक्राइब करो लाजमी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो पे कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना।